हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप आज बच्चों? आ गए हैं बच्चों आपके न्यू टॉपिक में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बच्चों। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जिसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस से और ब्लीचिंग पाउडर से। तो मैंने तीन कंपाउंड पहले वाले में पढ़ा दिया है। तीन कंपाउंड सॉल्ट से बनते हैं बच्चों, नमक से बनते हैं। तो पहला कंपाउंड वॉशिंग सोडा नमक से बनता है, दूसरा वाला बेकिंग सोडा नमक से बनता है, तीसरा वाला कास्टिक सोडा नमक से बनता है, जिसमें मैंने आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस समझाया था बच्चों। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड नमक से नहीं बनते हैं, तो इनको मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। तो पहला जो कंपाउंड है बच्चों वो है ब्लीचिंग पाउडर। पहला जो कंपाउंड है वो कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ समझ लो आप लाइन बारे से कर रहे होंगे अगर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और ब्लीचिंग पाउडर को बच्चों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन बच्चों बहुत सिंपल है, प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सीखा हुआ है काफी बार। तो आपने स्केलेटल लाइन बनाना बहुत बार सीखा हुआ है, लेकिन अभी के फिलहाल किसी बच्चे ने ना देखा हो तो दोबारा स्केलेटल लाइन बनाना सीखें एक बार। कि जब मेरे पास CaO होता है, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसके अंदर अगर मैं पानी डाल दूंगा तो पानी से ये मुझे क्या देगा? पानी से मुझे देगा स्क्लेड लाइम, भीगा भीगा गिलगिला। तो ये होगा बच्चों स्क्लेड लाइम। जब आप क्विक लाइम में पानी डाल देते हो तो क्या बन जाता है? स्क्लेड लाइम। Ca(OH)2 को स्क्लेड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ca(OH)2 को स्क्लेड लाइम बोलते हैं। तो स्क्लेड लाइम पता चल गया आपको। तो अगर आपको रफ वर्क में लिखना है तो इसको लिख लो, वाक्य तो अभी जरूरत नहीं है हमें इसकी। ठीक है, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए हमको क्या चाहिए? प्रिपरेशन के लिए हमें स्क्लेड लाइन चाहिए, बनाना सीख लिया हमने। तो प्रिपरेशन के लिए चाहिए हमें स्क्लेड लाइन। तो स्क्लेड लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH2 एक्वस, CaOH2 एक्वस। इसमें बच्चों लगातार हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं। इसमें लगातार क्या पास करवाते हैं? क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, Cl2 गैस पास करवाते हैं। तो जब लगातार इसमें क्लोरीन गैस पास करवा रहे होते हैं तो सबसे पहले बच्चों इसमें से पानी निकालो। स्क्लेड लाइन के फॉर्मूले से सबसे पहले क्या निकालो? पानी निकालो, वाटर निकालो। तो मैंने वाटर निकालना सिखाया था आपको। जब भी मेरे पास स्क्लेड लाइन होगा तो मैंने वाटर निकालना सिखाया था कि जब भी इसमें से पानी रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास ओनली क्या बचेगा? CaO बचेगा। क्या बचेगा? CaO। तो देखो पानी तो हो गया रिमूव, तो यहां से H2O हो गया रिमूव, लिक्विड रिमूव हो गया। यहां से दो हाइड्रोजन निकल गए और एक ऑक्सीजन निकल गया। दो हाइड्रोजन निकल गए और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास यहां पे बचा CaO। तो CaO जो बचा बच्चों, उससे क्लोरीन जुड़ जाता है, Cl2 जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा? CaOCl2। और बच्चों इसी चीज को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी चीज को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कहती बात क्लियर हो गई आपको? ब्लीचिंग पाउडर बनाना आ गया। ओके, ब्लीचिंग पाउडर बनाना आ गया। तो इस तरीके से हम ब्लीचिंग पाउडर को बच्चों आराम से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को बना लिया हमने। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर बना लिया। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सीधा यूज नहीं लिखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे बच्चों। तो ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या होती है ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज? इट इज वाइट इन कलर, इट इज अ वाइट पाउडर। ये एक तरह का वाइट पाउडर होता है बच्चों, सफेद कलर का पाउडर होता है। दूसरा, एक्शन ऑफ एसिड। पेपर में हमेशा पूछे जाने वाला सवाल एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन आती है बच्चों पेपर में।
कि अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ एसिड की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। तो चलो कराते हैं रिएक्शन, देखते हैं क्या होगा। तो ये मेरे पास हो गया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और आप कौन सा एसिड लेना चाहते हो, कोई सा भी एसिड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हम HCl से रिएक्ट करा देते हैं। किससे रिएक्ट करा देते हैं, HCl से रिएक्ट करा देते हैं। तो चलो कराते हैं इसको। तो आप जानते हो CaO2 पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो Ca जो है वो क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। तो बताओ Ca जो है वो Cl के साथ निकलेगा। Ca की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। क्रॉसिंग करके क्या बनेगा, क्रॉसिंग करके बनेगा CaCl2। क्या बनेगा CaCl2 बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। साथ में बच्चों H और O निकलते हैं, तो H और O का मतलब दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H और O। H की वैलेंसी +1, O के -2, क्रॉसिंग करके क्या बन जाएगा, क्रॉसिंग करके H2O बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, H2O। क्या बचा रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा Cl2, तो Cl2 बाहर निकल जाता है, Cl2 क्लोरीन गैस, तो ये बाहर निकल जाती है। तो ये है बच्चों इसकी प्रॉपर्टी, ये है इसकी प्रॉपर्टी जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ब्लीचिंग पाउडर एसिड से रिएक्शन करेगा, जब भी ब्लीचिंग पाउडर एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, आपका पानी बाहर निकलेगा और आपका क्लोरीन भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, आपका क्लोरीन भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्लियर हो गई आपको, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक आप करके दिखाओ एक्शन ऑफ एसिड से, एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, CaOCl2 +H2SO4। चलो ये रिएक्शन मुझे खुद करके दिखाओ, ट्राई करो इसे रिएक्शन को, हो सकता है एसिड बदल दे, HCl की जगह पर H2SO4 आ जाए, तब भी तो करना पड़ेगा। तो इसको ट्राई कीजिए, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। चलो चेक करते हैं, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव होती है बच्चों, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, तो Ca +2 और SO4 -2, 2 से 2 कैंसिल, तो CaSO4 आएगा तुम्हारा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा बच्चों तुम्हारा, ठीक है, H2O के साथ, तो H2O के साथ क्या बनाएगा, H2O बना लेगा, H2O बना लेगा और Cl2 बाहर हो जाएगा। तो दोनों ही रिएक्शन में बच्चों सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस अगर आप क्लोरीन HCl से कराओगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन H2SO4 से बनाओगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। बाकी दो चीज़ सेम बनेगी, पानी और क्लोरीन गैस सेम बनेगा, और इसमें कैल्शियम वाले प्रोडक्ट में बदलाव हो जाएगा बस। तो क्लियर हो गया बच्चों ब्लीचिंग पाउडर आपको, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसके यूजेस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके यूजेस करते हैं। चलो जी यूजेस लिखे, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज ये है कि ब्लीचिंग पाउडर हमारा ड्रिंकिंग पर्पस, यानी कि पानी को साफ करने के लिए काम आता है, ठीक है। इट इज यूज टू क्लीन, इट इज यूज टू क्लीन क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो जब भी कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमारा जो पानी आता है वो उसमें थोड़ी वैसा अजीब सी बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो बैक्टीरिया जम्स वम्स को किल करने का ये काम कर देता है और हमारे पानी को क्या कर देता है, साफ कर देता है, ठीक है बच्चों। हमारे पानी को क्या कर देगा, बिल्कुल अच्छे से साफ कर देगा, क्लियर हो गया। और दूसरा, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है, जो रिडक्शन में काम आता है। रिडक्शन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब रिडक्शन करवाता है। किसी भी चीज का रिडक्शन कराने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, वो आपका कौन है, ब्लीचिंग पाउडर है, ओके, समझ गए जी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं बच्चों, ये यूजेस हैं इसके, और भी यूजेस हैं पर इतने काफी हैं, ज्यादा इंगे नहीं। तो इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है पेपर में, एनसीईआरटी का है, जो पेपर में काफी बार आ रखा है, इंपॉर्टेंट है।
एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन, कि नेम द कॉमन नेम, राइट द कॉमन नेम ऑफ, राइट द कॉमन नेम ऑफ, राइट द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। ये पेपर में आ जाता है बच्चों, 1 मार्क्स में। यूके बोर्ड वालों ध्यान से फोकस करके सुनो, राइट द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। CaOCl2 का बच्चों कॉमन नेम क्या होता है? तो बच्चों कॉमन नेम होता है CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये आपको 1 मार्क्स में लिखना पड़ेगा और आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है यूके बोर्ड में, तो याद रखें कि राइट द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, तो आपको क्या लिखना है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या लिखना है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आ गया। ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाओ आपके 5th पे, पीओपी पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में पीओपी कहा जाता है, और पीओपी का बच्चों फॉर्मूला अगर बोले तो फॉर्मूला होता है CaSO4½H2O। क्या होता है? CaSO4½H2O। तो CaSO4½H2 होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए बच्चों हमें एक सब्सटेंस चाहिए होता है जिसको जिप्सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिप्सम। तो चलो इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? जिप्सम। तो CaSO4 2H2O, ये बच्चों जिप्सम का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? जिप्सम का फॉर्मूला। क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला? CaSO4 2H2O। क्या होता है? CaSO4 2H2O। तो जब आप जिप्सम को बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे, हीट करोगे, और अगर केल्विन में बोल दे तो 373 केल्विन में हीट करोगे। कितनी केल्विन में? 373 और 100 डिग्री सेल्सियस एक दूसरे के बराबर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है या 373 भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पे रह जाता है और 3/4 हिस्सा निकल जाता है। आपका हाफ मॉलिक्यूल पानी यहीं पर ही रह जाता है और 3/4 हिस्सा निकल जाता है। तो यहाँ पे CaSO4 हाफ रह जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाफ H2O रह जाएगा और आपका यहाँ पे 1/1/2 H2O निकल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 1 = 2, तो 3/2 H2O भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है। तो ये बन गया आपका बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हैमी, हैमी मतलब हाफ के लिए, हैमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट बोला जाता है बच्चों इसे। या तो इसका एक और नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ, हाफ मतलब हाफ के लिए हाइड्रेट, या तो आप कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट बोलो या तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गई बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो आपका हाफ मॉलिक्यूल रह जाएगा यहाँ पे और बाकी हिस्सा पानी का बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आ जाओ जी इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज अ वाइट पाउडर, ये भी एक तरह का वाइट पाउडर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ हीट नहीं बच्चों, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर से क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। एक्शन ऑफ वाटर से अगर मैं CaSO4 को पानी में डाल दूं, CaSO4 को कहाँ डाल दूं, पानी में डाल दूं, तो CaSO4 ½H2O, यानी कि जो मेरा POP है, अगर मैं उसको वाटर में डाल दूं, H2O में डाल दूं, तो बच्चों जितना उसने पानी अभी निकाला है ना, 3/2 H2O निकाला है उसने, तो उतना वो दोबारा गेन कर लेता है और पीओपी से रिवर्स बैक होकर दोबारा क्या बन जाता है, जिप्सम। पीओपी से दोबारा रिवर्स बैक होकर क्या बन जाता है, जिप्सम। लेकिन इस बार बच्चों जो जिप्सम बनता है वो हार्ड जिप्सम बनता है, वो फिर किसी काम के लायक नहीं होता है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपन व्हेन
इफ पीओपी पुट इन अ वेट कंटेनर, गीले कंटेनर में अगर पीओपी को रखोगे तो क्या होगा? तो गीले कंटेनर में अगर पीओपी को रखोगे बच्चों, तो पीओपी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हार्ड जिप्सम बनाएगा, जिसकी वजह से जिप्सम फर्दर यूज जिसकी वजह से पीओपी को हम फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा जब भी पीओपी रखा जाता है तो ड्राई कंटेनर में रखा जाता है, सूखे कंटेनर में रखा जाता है। गीले कंटेनर में रखोगे तो वो जिप्सम बना देगा और दोबारा से फिर इस जिप्सम से दोबारा से पीओपी नहीं बन सकता, इसीलिए जिप्सम से पीओपी बनता है, ठीक है। लेकिन जब पीओपी से दोबारा जिप्सम बन जाए, वो हार्ड मटेरियल जब बन जाए, तो दोबारा से पीओपी नहीं बन सकता। तो असल में जो आप चढ़ा के आते हो ना, असल में जो आप अपने हाथ में क्या बोलते हैं चढ़ाकर आते हो, किसी का हाथ टूट जाता है, तो असल में जब डॉक्टर ने उस पर पाउडर लगाया और पट्टी ऐसे लपेटी है ऐसे करके और ऊपर से पानी छिड़का है, तो असल में पीओपी नहीं बन रहा है वो, असल में पीओपी से जिप्सम बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो आप ये मत बोले करो कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के आए हो, आप ये बोले करो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम बना दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बना दिया है, जिप्सम बना दिया है। तो क्लियर हो गया आपको यहां से डाउट। अब यूजेस करें पीओपी के, ठीक है, चलो यूज करते हैं बच्चों पीओपी के। यूजेस ऑफ पीओपी, तो यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज स्टैचूज, टॉयज स्टैचूज बनाने में बच्चों काम आता है। दूसरा, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में काम आता है, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में काम आता है। तीसरा, जॉइन ब्रेक बोन्स, बोन्स को जोड़ने में काम आता है बच्चों, ठीक है। तो पीओपी इन सब चीजों में क्या आता है, काम आता है। तो क्लियर हो गया बच्चों आज का टॉपिक आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बच्चों ऐसे थे जहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा देता हूं इसके बिहाफ पर, तो वो करते हैं हम बच्चों, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन व्हेन पीओपी पुट इन अ वेट कंटेनर, पीओपी पुट इन अ वेट कंटेनर, कंटेनर आ सकते हैं या तो वैसल आ सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आएगा पेपर में। तो आपका जवाब ये होगा कि व्हेन पीओपी पुट इन अ वेट कंटेनर, पुट इन अ वेट कंटेनर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्ट इंटू अ हार्ड जिप्सम। और ये रिएक्शन भी लिख दो इसके साथ साथ, क्या थी रिएक्शन पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 ½ H2O। तो CSO4 ½ H2O को बच्चों जब आप पानी में डाल दोगे, तो पानी में जाकर वो दोबारा से क्या बन जाएगा, दोबारा से जिप्सम बन जाएगा बच्चों। लेकिन उस समय जो जिप्सम बनेगा वो हार्ड जिप्सम बनेगा, कैसा बनेगा, हार्ड जिप्सम। तो ये आपका हार्ड जिप्सम बन जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, उसके बाद इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से बच्चों ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, देखो अभी तक क्या हो रहा था, अगर मैं आपको दोबारा से रिएक्शन सिखाऊं तो यह है हमारा जिप्सम, इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा था, हीट कर रहा था। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन पे क्या कर रहा था, हीट कर रहा था। तो आपका हाफ मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था और आपका CaSO4 ½ H2O पीओपी बन रहा था और 3/2 H2O आपका बाहर निकल जा रहा था, पीओपी बनकर रेडी हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 100 डिग्री से अगर ज्यादा आप हीट करोगे तो क्या होगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से अबव ज्यादा हीट करना है, ठीक है। तो ज्यादा हीट करने से बताऊं क्या होता क्या है बच्चों, कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, हाफ बचता ही नहीं है, यहाँ पे हाफ नहीं बचेगा, दोनों मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो यहां से दोनों मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है।
यहाँ से दोनों मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे बचेगा कैल्शियम सल्फेट। तो ये है बच्चों आपका आंसर। आप बोलोगे आंसर कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल हाफ ना बचकर दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और आपका पीओपी ना बनके क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। पीओपी ना बनके क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, व्हाट हैपन व्हेन पहला पॉइंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्लोरीन गैस पास थ्रू स्क्लेड लाइन, Cl2 गैस पास्ड थ्रू स्क्लेड लाइन। थर्ड क्वेश्चन, CO2 गैस पास्ड थ्रू स्क्लेड लाइन, ठीक है। और फोर्थ है बच्चों CO2 गैस पास्ड थ्रू कास्टिक सोडा को बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिफ्थ, एसिड रिएक्ट विद CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। सिक्स्थ सोडियम कार्बोनेट चलो इसको साथ में लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद CO2, ठीक है। और सिक्स्थ, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार कुछ ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। बदतमीज क्वेश्चन एक नंबर के तो आते हैं पेपर में। आप इसको ट्राई करो करके, फिर मैं बताता हूँ आपको, पॉज करके ट्राई करो। रिएक्शन लिखनी है सब में, आपको एक एक रिएक्शन लिखनी है, तो पॉज करके ट्राई करो, कर सकते हो तो, ठीक है। चलो देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चों NaHCO3 बोलते हैं, जो हमें कास्टिक सोडा के सेकंड स्टेप में मिलता है बच्चों। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा Na2CO3, ठीक है, साथ में CO2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये रिएक्शन हो गई। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो Na2CO3, CO2 और H2O मिलेगा। नाम लिख लेना नीचे, सोडियम कार्बोनेट वाटर H2O और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आ जाओ, अगर स्क्रेड लाइन में क्लोरीन गैस पास करेंगे, स्क्रेड लाइन की जगह पे लाइम बोल सकता था, स्क्रेड लाइन की जगह पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकता था, तो नाम आपको याद होना चाहिए। तो स्क्रेड लाइन CaOH2, अगर इसमें बच्चों क्लोरीन गैस पास करेंगे, अगर इसमें बच्चों क्या पास करेंगे, क्लोरीन गैस Cl2 गैस पास करेंगे, तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, तो वाटर निकल गया बाहर, ठीक है, वाटर निकल गया बाहर और ये बन जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये बन जाएगा बच्चों आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अगर स्क्लेड लाइन में CO2 पास कराएंगे तो क्लोरीन पास कराया तो ब्लीचिंग पाउडर बना, अगर CO2 पास कराएंगे तो क्या बनेगा, तो CaOH2। अगर मैं इसमें आपको CO2 गैस पास करवा दूं, क्या पास करा दूं, CO2 गैस पास करा दूं, तो पानी निकालो पहले बाहर, तो H2 हो गया, यहाँ से बाहर H2O बाहर हो गया, तो H2O बाहर हो गया, तो इसमें यह चिपकेगा और ये बनेगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ठीक है, मार्बल का फॉर्मूला जो तुमने वाइट वॉशिंग में पढ़ा होगा, ये वाइट वॉशिंग वाली है, ये ब्लीचिंग वाली है, ये वाली बेकिंग सोडा वाली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाओ, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा क्या होता है बच्चों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते थे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 गैस पास कराएंगे तो बच्चों क्या होगा,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 गैस पास करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा बच्चों, याद रखना, वाटर बाहर निकलेगा और Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा में CO2 पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट और वाटर। अब सोडियम कार्बोनेट में CO2, जब ये बन गया आपका Na2CO3, जब इसमें CO2 पास करेंगे तो बच्चों क्या होगा? है ना खतरनाक चीज, ठीक है। और साथ में ये एक्वस होना चाहिए, एक्वस होगा, दोनों ड्राई होंगे तो चिपकेगा ऐसे, एक्वस होना चाहिए। तो ये एक्वस होगा हमारा और ये एक्वस होगा, AQ, AQ मतलब पानी प्रेजेंट है, तब इसमें भी पानी प्रेजेंट होगा। तो देखो रिएक्शन को मैंने जोड़ा हुआ है एक तरीके से, NaOH है, CO2 पास करेंगे तो Na2CO3 और पानी मिलेगा, लेकिन Na2CO3 में दोबारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा? तो दोबारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा आपका, पानी है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, तो NaHCO3 बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? NaHCO3, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से NaCO3 बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्ट, तो भाई बहुत बार बता चुका हूँ, एग शेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपका CaCl2 बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या देगा? ब्रिस्क एफरवेंसेस देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या देगा? ब्रिस्क एफरवेंसेस देगा। तो क्लियर हो गई बच्चों आपको ये क्वेश्चंस? तो व्हाट हैपन व्हेन में ये कभी कभी आ जाते हैं, तो याद रखना, 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स में आते रहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो या तो नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ओके, तो बच्चों लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक ये क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? जब भी किसी सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, या प्रेजेंट करवा रहे हो या सॉल्ट को जोड़ रहे हो, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल एडेड ऑन इट या प्रेजेंट ऑन इट, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो दो तरह के बच्चों क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, एक होता है हाइड्रेशन और एक होता है डिहाइड्रेशन। एक होता है बच्चों हाइड्रेशन और दूसरा होता है आपका डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हाइड्रेशन का मीनिंग ये होता है जब किसी सॉल्ट में आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जैसे CuSO4 में 5H2O होते हैं, जैसे आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा भी तो वॉशिंग सोडा में 10H2O होते हैं, जैसे आपने CS कैल्शियम सल्फेट पढ़ा उसमें आपके H2O होते हैं, तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और डिहाइड्रेशन सॉल्ट, डिहाइड्रेशन का बच्चों एक और नाम होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो मतलब ना होना, तो कैसे नहीं होंगे? हीट करा दो इनको, तो अगर मैं CuSO4 को 5H2O से हीट करा दूंगा तो 5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और मेरे पास बच्चों बस CuSO4 बनेगा। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये हमेशा कलर पानी के मॉलिक्यूल के साथ दिखाता है, ब्लू कलर होगा इसका, लेकिन जैसे पानी का मॉलिक्यूल आपका हट जाएगा तो बच्चों ये वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। एक और Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, तो आप जब इसको हीट करोगे तो ये Na2CO3 रह जाएगा और 10 मॉलिक्यूल पानी के क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ऐसे कैल्शियम सल्फेट 100 डिग्री सेल्सियस के अबव जब इसको ले जाओगे तो हीट करोगे तो CSO4 बन जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इन सॉल्ट को क्या बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट अब नहीं है, पानी प्रेजेंट नहीं है? इनको बोलेंगे बच्चों एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट। क्लियर हो गया? तो दोज सॉल्ट विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, एंड दोज सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल तो इस कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी में लाना है तो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, देखो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा बस। अगर मुझे हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना है, कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड बनाना है, तो 5 मॉलिक्यूल मैं जोड़ देता हूँ कंडीशन लगाकर, तो बन गया CuSO4 5H2O, दोबारा से बन गया।
ये है ना मेरे पास व्हाइट कलर का, इसको दोबारा से पानी में डाल दिया, तो जब दोबारा से पानी में डाल दूंगा तो दोबारा से पांच मॉलिक्यूल दोबारा चिपक जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा व्हाइट से क्या हो जाएगा, दोबारा व्हाइट से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास लिथियम क्लोराइड होता है बच्चों, तो लिथियम क्लोराइड आपका 2H2O जोड़ता है अपने से, तो ये बन जाएगा LiCl2H2O, ठीक है। ये आपका पिंक कलर दे देगा व्हाइट से। और थर्ड FeSO4, ये 7H2O जोड़ता है अपने से, तो FeSO4 7H2O आप 7H2O जोड़ेगा और मुझे ग्रीन कलर दे देगा, ठीक है, वाइट से ग्रीन कलर दे देगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्लियर हो गया आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रेट सॉल्ट। तो आ जाती है कभी कभी रिएक्शन आ जाती है कि हाइड्रेटेड को एनहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, तो हाइड्रेटेड को एनहाइड्रेट हीट करके बनाते हैं, बस हीट का साइन दिखा दो, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, ठीक है। लेकिन अगर एनहाइड्रस को दोबारा हाइड्रेट बनाना है, पानी जैसा बनाना है, तो आपको पानी को दोबारा ऐड कराना पड़ता है। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको, ओके। तो अब ये टॉपिक हो गया बच्चों आपका कंप्लीट, कुछ क्वेश्चंस नहीं बचते हैं, लास्ट के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बाकी सारा टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ, फाइनल पार्ट है ये पार्ट 6 केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं आपसे बच्चों बायोलॉजी में, बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे फटाफट। तो पढ़ते रहो और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ओके, थैंक यू।